तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एंड गोल्ड लाइक के रिलेटेड। अब गाइस ये चीज आपको ऑलरेडी पता ही है, न्यू अब टीम गोल्ड लाइक का पार्ट नहीं रहे हैं। तो आज जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वहां पर किसी ने उनको ये लिखा, क्या आपको नहीं लगता कि 2 लाख की सैलरी के लिए आपने 5 से 10 लाख का वर्ड डाउन कर दिया, जो गोल्ड लाइक में रह के मिल जाता बाय ग्रोथ कॉन्टेंट एंड देन ब्रांड्स, बट जहाँ भी रहो अच्छे से रहना बस। जिस पर रिप्लाई करते हुए न्यू ये कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ब्रांड्स नहीं आ रहे हैं, वो मेरा डिसीजन था, अब मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे को अपना एक खुद का कंटेंट बनाना है एंड एक खुद का फैन बेस ग्रो करना है। तो गाइस एग्जैक्टली इस पर बात करते हुए नियो ये कहे, और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है और ऑरेंगुटैन के पॉडकास्ट के रिलेटेड। तो गाइस एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट में क्या हुआ था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वो पॉडकास्ट के बाद गाइस हमको गोल्ड एक्सीगोर्ड की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिला था, उस पर मेजी रिप्लाई किए, जहाँ पर बेसिकली मेजी ये बोल रहे थे कि सबका ओपिनियन था जो कि उन्होंने पॉडकास्ट से दे दिया। तो एग्जैक्टली पहले वो क्या कहे थे आप देखिए, इसके बाद इसके रिलेटेड बात करते हैं। ओजी के पॉडकास्ट में मुझे सच्ची में बताऊं तो ऐसा कुछ था नहीं यार, इससे ज्यादा मसाला तो हम कास्टर्स मिलके दे सकते थे, फिर तो चीजें थोड़ी खराब ही हो जाती है। मतलब स्क्रिप्टेड टाइप का पॉडकास्ट था कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों में आपको बात करनी है। अगर उसमें अपना सच में पर्सनल ओपिनियन, जो एक रियल पॉडकास्ट होता है जहाँ पे आप अपना पर्सनल ओपिनियन रखते हो ये सोचे बिना कि सामने वाले को बुरा लगेगा या खराब लगेगा, वो पॉडकास्ट में अगर और गोनर ने सच में कुछ बोला होता तो मेरे को समझ में भी आता, इतना ज्यादा दिल पे और इतना सारा चीजों लेने की क्या जरूरत है। तो इसके बाद गाइस किसी ने उनको ये लिखा कि वो पॉडकास्ट में ये बोला गया था कि ये ऑर्क बंद हो जाने चाहिए, ये कैसा ओपिनियन है? ऑर्क बंद होनी चाहिए ये कैसा ओपिनियन है भाई, ये उनकी ओपिनियन है। तुम बोल दो कि सोल बंद होनी चाहिए, तुम बोल दो जी बंद होनी चाहिए, क्यों? एक सवाल है, एक स्पाइसी करने के लिए, तुमने कभी कॉफी विद करण देखा है? कॉफी विद करण पे घर टूट गए हैं, तो वहां पे कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस होते हैं ताकि उसको और ज्यादा स्पाइस अप किया जा सके, ताकि ऑडियंस उस पर रिएक्ट करे, और एक्चुअली में ऑडियंस रिएक्ट करती है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। क्या बीजेएमआई टूर्नामेंट्स खेल के रोज 50,000 तक जीतना चाहते हो? तो ये पार्ट एंड तक देखना। ए भाई बदल बदल भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और ये 8 करोड़ की विनिंग बांट चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको काफी टाइप्स के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिसमें 0 वेटिंग टाइम है, और इस ऐप में कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक खेलो जैसे रोज खेलते हो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज बीजेएमआई खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है। सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करो और आपको 600 रुपीज का इंस्टेंट साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जो आप टूर्नामेंट्स खेलने के लिए यूज कर सकते हो, तो अभी साइन अप करो। और मजे की बात यह है, जो भी आप पैसे जीतते हो वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे और कोई भी यूपीआई ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो, खुश हुआ। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 50,000 रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। एंड गाइस अब वापस से आते हैं वीडियो में। एंड गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वन गेम प्रो चैंपियनशिप के ग्रैंड फाइनल्स के रिलेटेड। तो गाइस आज होने वाला है इसमें ग्रैंड फाइनल्स का लास्ट डे, एंड अभी नंबर 1 पर चल रही है रेवेनेंट ईस्पोर्ट, देन एंटिटी, नंबर 3 पर है टीम सोल, देन टीम गॉडलाइक। बेसिकली गाइस यहां पर टॉप 4 टीम में से कोई भी चैंपियन बन सकता है। एंड अगर डे 5 पर टॉप फिनिशर्स को देखे तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 1 पर है एस पावर, देन सविता, नंबर 3 पर है जॉनथन। तो यहां गाइस अब लेट्स सी इसमें कौन चैंपियन बनने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाय द वे गाइस वन गेम रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो सेनोक के मैप पर हमको टीम सोल एंड रेवेनेंट की फाइट देखने को मिली थी। बेसिकली यहाँ पर टीम सोल का ड्रॉप नहीं होता है, वो वहाँ पर आते हैं, रेवेनेंट के 2 बंदों को फिनिश कर देते हैं। तो ये चीज रिलेटेड गाइस सेंसर से कुछ पूछा गया था, जिस पर रिप्लाई करते हुए वो ये कहे, वहाँ पे हमें कुछ ड्रॉप क्लैश होता हुआ देखने को मिला है, बट आप देखिए आप जब टॉप पे थे ओवरऑल स्टार्टिंग में, तब ये चीजें हमें वहाँ पे होती हुई देखने को मिली। अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि आप इन केस अगर थोड़ा सा नीचे होते हो तो आपके एंड से भी क्या सेम रिप्लाई रहेगा, क्योंकि
वहां पे ड्रॉप था नहीं उनका, वो आपको चैलेंज सीधा सीधा करने आया कि आप हैशटैग वन में, तो आपका मोमेंटम तोड़ा जाए और नीचे लाए। आई गेस वो मोमेंटम वाली बात तो नहीं थी, और क्योंकि रहती तो थोड़े और प्रिपेयर हो गए आते हैं, हमारे जो बाकी दो प्लेयर उधर जंप कर रहे, वो दो प्लेयर गैरेज में कूदे, एक प्लेयर पायलान कूदा और एक प्लेयर मतलब साइड वाले कंपाउंड कूदा। मुझे जो लगा वो जी से ड्रॉप क्लैश नहीं करना चाहते थे शायद, इसलिए पायलान कूदे। और कल के लिए कुछ अलग आप लोगों ने प्लान किया था कि नहीं? हाँ थ्रो नहीं करेंगे कल। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGS इन गेम क्वालिफायर्स के रिलेटेड। तो गाइस सोलोमन इसके बारे में बात करते हुए ये लिखे थे, जिस भी टीम के 73 से ज्यादा किल होंगे एक गेम में मैं उसको एक स्मॉल टेबल फैन गिव अवे करूंगा। एंड नीचे गाइस वो ये लिखे, लोग 71 किल ऑलरेडी कर चुके हैं विच लिटरली गाइस सेम्स इम्पॉसिबल। फिर ये चीज के रिएक्ट करते हुए रेगल टोस भी ये लिखे, आई डोंट थिंक सो न्यू मोड इज वैलिड, ये सब न्यू मोड के किल्स हैं या फिर नॉर्मल क्लासिक के। जिस पर अमन ये लिखे, नॉर्मल क्लासिक के हैं भाई, मैं कन्फर्म क्या हूँ, DM में वीडियोस भेजी है। तो यहाँ गाइस प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रेजी। इस पर फिर रिएक्ट करते हुए अमन ये कहे थे, ब्रो 70 किल्स वाला ग्लिच यूज करके किया है क्या चेक आफ्टर इट? या मैंने चेक किया, उन लोगों का ठीक था, मतलब अच्छे खासे किल्स किए उन लोगों ने, थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज थी। मेरे को इस पे रील बनाने वाला हूं, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, एकदम प्रॉपर है उनका, बट ओनली द थिंग इज के उनकी स्ट्रेटजी बहुत बहुत ही मतलब वो खतरनाक काम किया है उन्होंने। मैंने वीडियो देखी पूरी उनकी, वो वीडियो मेरे हिसाब से वो लोग तो अपलोड नहीं करेंगे, उसका रीजन है, नहीं तो फिर सब लोग समझ लो खेलेंगे उस हिसाब से, तो वो तो नहीं होने वाला है रे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है वॉचिंग के रिलेटेड, जिस पर SA12 से रिएक्ट किए, आप देखिए। तो वॉचिंग का आरआर करके रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसके लिए काम करना पड़ता है। मतलब ये वॉचिंग वाला पॉइंट तो एकदम तिया पॉइंट लगता है मेरे को, ये है तो वॉचिंग है वो भाई, वॉचिंग एंड पॉइंट लगता है मेरे को, कुछ मतलब एकदम स्टूपिड चीज लगता है मेरे को और एकदम रिडिकुलस कॉन्सेप्ट लगता है मेरे को वॉचिंग का। बट ठीक है, मतलब दैट इज ऑल यू हैव टू शो फॉर योर सेल्फ, इफ यू वॉन्ट टू डू दैट यू डू इट। बाकी आई फील लाइक सोल फैन बेस राइट नाउ इज एज वेयर मोस्ट ऑफ देम आर स्टडिंग और इधर वर्किंग, और कितने लोग हैं मेरे मतलब मेरे DMs में जो फैंस है जेन्युइन, मतलब लुक आफ्टर योर फैमिली, फिनिश योर पढ़ाई, गेट योर डिग्री, सब कुछ करने के बाद जब टाइम मिलेगा ना आप आके हम लोग को देखो, कोई टेंशन नहीं है ब्रो। बट अल्टीमेटली वॉचिंग की वजह से e-sports बड़ा बनता है, ठीक है, तो आप वही करते रहो, आप उसी घूमो वॉचिंग वॉचिंग। और गाइस नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से, तो क्या ये चीज को लेकर डायनेमो थोड़ा गुस्सा हो गए थे? तो गाइस एक BGMI के मैच में हाइड्रा के मेंबर्स अर्ली फिनिश हो जाते हैं, जिस पर कोई एक जन डायनेमो के चैट में आके ये लिख देता है कि एक और मैच एंड टीम हाइड्रा के प्लेयर्स ने फ्री किल की तरह मर गए। तो ये चीज पर गाइस डायनेमो उनको रिप्लाई किए, आप देखिए। अनदर मैच अनदर फ्री किल बाय आवर टीम्स, क्लास ले लो, एक साथ किल्स देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से आधे घंटे पहले की बात होगी, वन गेम में 11 किल चिकन डिनर निकाला है। तब तो भाई यहाँ पे आप आके मेरे को बोले नहीं यार कि ब्रो प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, या प्लेयर्स ने चिकन निकाला, जस्ट 1% ऑफ पॉजिटिव थिंग। लेकिन एक मैच में जाके अगर मर गए एंड अगर किल्स दे दिया, तो तुम यहाँ आके मेरे को सुना रहे हो कि भाई अनदर मैच अनदर फ्री किल्स बाय आवर टीम्स, क्लास ले लो, एक साथ किल्स देते हैं। भाई देखो यार, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज क्या इन दिन मैं ही बुरा बन जाता हूँ, लोग सोचते कि यार मैं खुद अंदर से एक बुरा आदमी हूँ। जब आप खुद अपनी हरकतें देखोगे ना, तब आप समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा क्यों पिस्ड ऑफ होता है। आप थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिए, बट आप ये समझ के चलो कि हमारे बंदे भगवान नहीं है जो हर मैच में चिकन डिनर निकालेंगे, जो हर मैच है 15-15-20-20 किल करेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मॉर्टल के रिलेटेड, वो रिएक्ट किए गाइस डाउनफॉल के रिलेटेड, आप देखिए। मॉर्टल भाई आपका डाउनफॉल नहीं हो रहा, अरे यार महिमा जी मजा आता है यार, मॉर्टल भाई आपका डाउनफॉल नहीं हो रहा, देना लो ना डाउनफॉल एंड फेलियर आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सक्सेस। और गाइस नेक्स्ट हम लोग 2024 की बिगेस्ट ई स्पोर्ट न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस ये साल समर 2024 में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, ये चीज के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बट गाइस आज हमको इसका प्राइस पूल रिवील होता हुआ दिखा, जो कि होने वाला है $60 million, लिटरली गाइस विच इज क्रेजी। एंड वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहाँ पर क्लब चैंपियनशिप के प्राइस पूल होने वाले हैं $20 million एंड गेम चैंपियनशिप के होने वाले हैं $30 million। एंड फिर ये चीज गेटेड गाइस मॉडल भी रिकेट किए थे, आप देखिए। E-sports का प्राइस पूल देखा क्या वर्ल्ड कप का, कितना मिलियन डॉलर है, बिलियन डॉलर, 502 crores, 502 करोड़। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं मूवी के रिलेटेड, तो गाइस मूवी बात की कंसिस्टेंसी के रिलेटेड। ये चीज गाइस शायद आपको पता होगी, कुछ टाइम पहले मूवी ने काफी बड़ा ब्रेक लिया था फ्रॉम ई स्पोर्ट एंड कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पर काफी सारे उनके फैंस उनसे पूछते थे कि भाई आप लाइव स्ट्रीम ही नहीं करते हो, तो क्या फाइनली वो कंसिस्टेंट होने वाले हैं? इसके बारे में बात करते हुए वो ये कहे, यार महेश भाई आप देखते जाओ, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, हर चीज में कंसिस्टेंसी रहेगी स्पोर्ट्स में, सब जगह हर जगह वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट। इस बार किसी भी चीज में नहीं रुकना है, इस बार वी आर मोटिवेटेड एंड इस बार वी हैव ऑल ऑफ आर पीपल विद अस,
even it's SA12, even it's GE, even it's our team. Yeah, topic add kiya, yes, even it's our team. Sab log apne saath hain. We will try our level best every time, everywhere. और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस अगर आपको भी कोई फीडबैक या फिर क्वेश्चन पूछना है उनके रील्स के रिलेटेड जो कि इंस्टाग्राम पर अभी वो अपलोड कर रहे हैं, ये चीज आप उनसे पूछ सकते हो। इसके बारे में बात करते हुए स्काउट ये कहे, हमारी जो सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पे वो पहुंच चुकी है एंट्री लेवल स्पोर्ट्स पे। मतलब जितने भी लोग है जो स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी टीयर टू लेवल पे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उनको कैसे आगे प्रोग्रेस करना, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। बट मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसमें आपका फीडबैक लें। तो अगले शो में मैं एक फॉर्म डालने वाला हूँ जहाँ पे आप अपनी सारी दिक्कतें लिख सकते हो, डिवाइस रिलेटेड या फिर आपको आइडिया नहीं कि कहाँ पे खेलना है या फिर आपको टीममेट्स नहीं मिल रहे, कोई भी दिक्कत हो ए टू जेड खुल के बिंदास होकर उसमें लिखना। लिमिटेड एंट्री से, सो प्लीज बकचोदी मत करना, जेन्युइनली लिखना। तो मेरे को कुछ एक ऐसा ओवरऑल पिक्चर समझ आएगा कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से मैं अगले 10 जो टॉपिक्स है मैं कवर करूंगा अपने रील। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं थग भाई एंड रेगल्टोस के रिलेटेड। तो गाइस आज के आईपीएल मैच के दौरान हमको थग भाई एंड रेगल्टोस देखने को मिले थे टीवी पर ऑन स्टार स्पोर्ट्स। उसकी कुछ फोटोज का आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके रिलेटेड बात करते हुए रेगल्टोस ये कहे थे, सो गाइस मैं और थग आने वाले हैं स्टार स्पोर्ट्स इंडिया पे लाइव 6 बजे या 6:30 बजे के आसपास आने वाले हैं। बीच में आएंगे टीवी पे, तो देखना बहुत अलग मस्ती होने वाली है। तो यहाँ गाइस गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स आर एवरीवेयर दीज डेज। तो बस गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।